साथियों नमस्कार। दरअसल हम आपको बता दें कि लगातार जो है प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल। आज जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। यहाँ पे बसपा के काफ़ी समर्थक हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो है बहुजन समाज पार्टी से पदाधिकारी भी हैं, क्या क्या पद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या चल रहा है माहौल इलाहाबाद में, क्या माहौल चल रहा है इलाहाबाद में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा माहौल चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का। इस बार जो है 2022 में सरकार बनेगी बहन कुमारी मायावती जी की। किस बेस पे कह सकते हैं कि विरोधी भी तो हैं, बीजेपी है? नहीं, कई पार्टियां विरोधी हैं, लेकिन विरोधियों को जब भी बहन कुमारी मायावती जी का शासन रहा है तो उस समय जो है सारे जनता को, यहाँ के लोगों को, सबको जो है भ्रष्टाचार और जो है माफियागर्दी को दूर करने का काम उन्होंने किया है। और सारे लोग जो है, सब समाज के लोग जो है, आज भी जब भी होता है कि बहन कुमारी मायावती का जिस तरह का शासन रहा उस तरह का अभी तक किसी का शासन नहीं रहा है। इस तारीख को यहीं पे जो है प्रधानमंत्री जी आए थे, लोग बता रहे हैं कि दलित सब अपने ही समाज के लोग उधर गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, दलित समाज के लोग उतर गए थे। अगर वो लोग आए थे एमपी और महाराष्ट्र और बंगाल या कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाने का उन्होंने काम किया और किराए पर लाने का काम किया, और जबकि यहाँ की कुर्सियाँ भी खाली रही। और हमने देखा फूलपुर विधानसभा में कम से कम 200-300 गाड़ियों को मैंने देखा, जिसमें से 10 या 5 लोग थे और उसमें और कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो इसलिए मालूम होता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि किसानों और मजदूरों और विद्यार्थियों को, सबको उन्होंने सताने का काम किया। विद्यार्थियों को तो सबसे ज़्यादा धोखा देने का काम किया कि आप वैकेंसी निकाल दिया करते हैं कि आप फॉर्म भरिए, लेकिन ऐसे हमारे जो विद्यार्थियों को जिनकी उम्र जाने वाली है, 2 साल 3 साल उनकी उम्र रह गई, उनको जो है उनके जीवन के साथ खेलने का काम ये हमारे योगी जी जो उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं, इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, सबके साथ इस तरह से जो है गलत कार्य कर रहे हैं, इससे सारे लोग नाराज होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम और सहयोग देने का काम कर रहे हैं, इससे लगता है और लोग देख भी रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। उनके जो है दिमाग खराब हो चुके हैं, आज उनको रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी। चंद्रशेखर के बारे में क्या कहें? चंद्रशेखर तो जो बात करते हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी का जो है एक तरह से एजेंट है, वो एजेंट है। किस बेस पे कह सकते हैं आरएसएस और बीजेपी के एजेंट? इस बेस से कह सकते हैं कि जहाँ भी वो जा रहे हैं अपनी बहुजन समाज पार्टी को जो हम मतदाता उनसे जो है विचलित नहीं होने का काम कर रहे हैं, वो अपनी बातें कहेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज की पार्टी में रह करके बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। क्या नाम है सर आपका? गुलाब चंद। गुलाब चमार जी कहाँ से? यही जो है फूलपुर। फूलपुर से तो जो है सीट क्लियर हो गई है राम तोलन जी, क्या लग रहा है उनका माहौल? राम तोलन चुनाव जीतेंगे। क्या अन्य पार्टी नहीं जीतेगी, सपा है, भाजपा है? अरे जो बहुजन समाज पार्टी के उस चुनाव लड़ रहे हैं उसके बेस से जीतेंगे, और हर समाज के उनके साथ में है, ऐसा कोई नहीं जो उनके साथ। चुनाव आते ही जो है अपने दलित समाज के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो भाग जाते हैं उनके साथ में। पैसे के लिए, रोटी के लिए, दारू के लिए? देखिए, जब लेते थे, अब पैसे और दारू के चक्कर में सब नौकरी के चक्कर में परेशान हैं, अपने रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। पहले जो करते थे तो पाते थे, अब जो है नौकरी के लिए, जितने लड़के अपने पढ़ा लिए हैं क्या करेंगे, यहीं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं कितना पैसा लग रहा है, अब जा रहे हैं बाहर जाएँगे, नोएडा जाएँगे, वहाँ से फिर करके आएँगे, वहाँ 18,000 पर नौकरी करने जा रहे हैं, इंजीनियर बन कर जा रहे हैं, और वहाँ के लोग जो है 8,000 पर तैयार हो जाएंगे, यहाँ के लोग को भगा दे रहे हैं, कैसे करेंगे, पढ़ लिख के क्या करेंगे वो। आप बहुजन समाज पार्टी के समर्थक? जी जी जी। और जो है बहुजन समाज पार्टी का क्या माहौल है, क्या रोल है आपके तरफ? बहुजन समाज पार्टी का माहौल बहुत गर्म है, और सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के तरफ आकर्षित हैं, चाहे जो भी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो, यस्सी समाज हो। अभी आप हमारे भाई साहब से पूछ रहे थे कि चुनाव आते ही लोग कहते हैं कि यस्सी वोट डाइवर्ट हो जाती है, कभी हो जाती थी, लेकिन आप लोग ये मीडिया वाले ये दिखाना चाहते हैं कि यस्सी वोट डाइवर्ट होती है, लेकिन यस्सी समाज हमारा अब की बार आप लोग चाहे कितना भी दिखाइए वो डाइवर्ट होने वाला नहीं है।
वो बहुजन समाज पार्टी के साथ, मैं ब्राह्मण समाज से, मैं राकेश पांडे। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ब्राह्मण समाज यहाँ से जाने वाला नहीं है, आप बहुजन समाज पार्टी। नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी का पक्का समर्थक हूँ, आवाज से नहीं, 15 साल से लगा हूँ। किस बेस पे वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जाने वाले हैं? ये भाई वो बड़े नेता हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ब्राह्मण समाज से हैं, बहुजन समाज पार्टी 15 साल सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा, जिला सचिव प्रयागराज। जिला सचिव हैं, कहाँ के रहने वाले? फूलपुर विधानसभा कसरुआ कला सहसों। जिस तरह से सर्व समाज को लेकर बहन जी चल रही हैं, क्या लगता है आपकी बात? बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज पार्टी है ही है, आज से नहीं 2007 में भी अगर बहुजन समाज पार्टी की पूर्व सरकार बनी थी तो सर्व समाज के ही बल पर बहुजन समाज पार्टी सरकार बनी थी, समझ रहे हैं आप? और कहने के चाहे जो कहें कि एससी इधर उधर भाग रहा है, बहुजन समाज पार्टी के एससी जो है, खासकर एससी शेड्यूल कास्ट, ये न्यू है, न्यू जिसे कह लीजिए न्यू, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार अब की इलाहाबाद जिले की 12 की 12 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आने वाला है, 100% है। अभी कुछ विरोधी दल जो है नारे भी लगा रहे थे, अशोक गौतम मुर्दाबाद, क्या कहेंगे, क्या मामला? ये तो भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए समाजवादी पार्टी के कुछ मतलब कि उसमें से विशेष तौर से ठेकेदार या 420 दलाल वहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। माननीय सतीश मिश्रा जी जिस समय जिस तरीके से पूरे प्रदेश में 75 जिलों में प्रपुष्ट सम्मेलन किया, फिर सर्व समाज का सम्मेलन कर रहा है, इनको ये लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, इसलिए उनको पेट में दर्द। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सिद्धनारायण है, पूरा एडिटर हूँ। क्या कहेंगे देश के युवाओं से, आखिरी सवाल है आपका? देश के युवाओं से मैं कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी को अपना मतदान दे, बहुमूल्य वोट देने का काम करें, जिससे बहन कुमारी मायावती जी ने ये आश्वस्त किए हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी के सरकार के द्वारा हम उन युवाओं को जो है नौकरी देने का काम करूँगा। वो वादा नहीं करती हैं, वो वादा नहीं करती हैं कि मैं आपको स्कूटर दूंगा, मैं आपको जो है लैपटॉप दूंगा, कोई भी टैबलेट दूंगा, कोई भी बातें ऐसे नहीं करती। बहन कुमारी मायावती जी हमेशा काम करके दिखाती हैं, वो वादा नहीं करती हैं। जिस तरह से आप लोग लगातार देख रहे थे यहाँ पे प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम में, सर समाज ठान चुका है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे।